बीती शाम नगर पालिका की टीम ने तोड़ा फुटपाथ की दुकानों को, कई को दिए नोटिस, कई को नहीं, रोजगार के लिए चलाते हैं। छोटे छोटे दुकान, कोई कपड़ा तो कोई चाय ठेला, लोन लेकर जीविका चलाने वालों के मन में शासन के रवैये को लेकर निराशा है। आज जिला प्रशासन से मुलाकात के लिए घर के पास बैठे रहे व्यापारी, परंतु कलेक्टर साहब के कर्मचारी ने घर से बाहर आकर व्यापारियों को कहा, साहब ऑफिस डे पर मुलाकात करेंगे, 3 दिनों के इंतजार के बाद होगी बातचीत। छोटे व्यापारियों पर नगर पालिका का बुलडोजर, नए CMO आते ही छोटे व्यापारियों पर गिरी गाज। आए हैं और क्या मामला को लेके आए हैं? हम लोग बीजापुर से आए हैं, और ठेला का मामला लेके आए हैं। कल हमारे यहाँ आए थे सर लोग, ठेला को हटाए हैं, सामान को पूरा बोले कि नहीं लगाना था, नहीं लगाना, हम लोग रोज कमाने खाने वाले तो कैसे करेंगे, नहीं लगाएंगे इससे। कलेक्टर साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी कलेक्टर साहब भी हटवाए हैं। कितने ठेला वाले हो आप लोग जिसका ठेला हटाया गया है? बस वही से सब जितना सब आए हैं, सब ठेला वाले हैं। मैं तो सब्जी लेके आई थी 1000 का, मेरा पूरा सब्जी खराब हो गया। मेरा तो जोंदरा भुंडा भुट्टा घरे में है, मैं रेनकोट लाया था सर, उसमें से ना मेरा रेनकोट ऐसी बारिश की वजह से पड़ा हुआ है, मैं कब बेचूंगा, कब उसको रह करूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बारिश में इसे वक्त हमारे साथ इस टाइप से हो रहा है सर, कि लोन लेने के बाद में जिस प्रकार से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो लोग हैं, अपने जीने के लिए किस प्रकार से सहारा बना करके चलते हैं, जब उनका आसियाना टूटता है, जब उनका सहारा टूटता है, जीने का सहारा टूट जाता है, तो क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं कैसी ये प्रशासन है, कैसा ये भ्रष्टाचार है। सभी तरफ न्यूज़ सच के बाद बीजापुर से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश।